मैच आ रहा है? जी अम्मी, मैच आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का। अम्मी, सारे मैच पाकिस्तान इंडिया के थोड़ी होते हैं, पाकिस्तान की टीमें खेल रही हैं आपस में। तो ये बोलो ना, आईपीएल आ रहा है? वैसे पाकिस्तान में भी आईपीएल स्टार्ट हो गया। अम्मी, आईपीएल पाकिस्तान में क्यों होगा, ये पीएसएल है। तो इसमें क्या होता है? अम्मी, इसमें ना पाकिस्तान की बहुत सारी टीमें आपस में खेलती हैं। यहूदी साजिश है ये, पता है? मुसलमानों को आपस में लड़वाया जा रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अम्मी, ये लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं, ये क्रिकेट है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है, तुम अम्मी हो या मैं अम्मी हूँ? चुप। वैसे ये पीएसएल हर साल होता है? जी अम्मी। मतलब साल में एक बार? जी। ये वसीम अकरम कौन सी टीम से खेल रहा है? वसीम अकरम तो रिटायर हो गया है। इतनी जल्दी रिटायर हो गया? अम्मी, 16 साल पहले रिटायर हुआ है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सी टीम जीत रही है? कोई नहीं, अभी क्वेटा को जीतने के लिए 60 बॉलों पे 120 रन चाहिए, हर ओवर में 12 रन। अच्छा, वैसे इतना ध्यान अगर तुम पढ़ाई में लगा लेते ना तो रिजल्ट में बहुत अच्छे नंबर आते। जाओ जाके पढ़ो, जाओ। अम्मी, अभी मैच चल रहा है ना, आज तक कभी तुम लोगों ने सुनी नहीं सुनोगे, बिल्कुल अपने मैच कहाँ हो रहा है? अम्मी, दुबई में हो रहा है। नजम मामू क्यों होंगे मैच में? दुबई में रहते तो मैच में नहीं हो सकते? भाई, दुबई में रहते वो कोई स्टेडियम में थोड़ी रहते, जो वैसे भी उनका क्रिकेट से क्या वास्ता। तो क्रिकेट देखने तो आ सकते हैं ना? और ये ना जरा दूर होके बैठो टीवी से, नजरें खराब हो जाएंगी। ये लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहन के आ जाती हैं, इनके घर वाले ने कुछ नहीं कहते। और तुम क्या आगे फाड़ फाड़ के देख रहे हो? अम्मी, मैं तो मैच देख रहा हूँ। हाँ तो मैच देखो ना। मैच ही देख रहा हूँ। अरे, ये अंग्रेज के साथ खेल रहे हैं क्या? जी जी अम्मी, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलते हैं पीएसएल में। अरे, तो ये पाकिस्तानियों से बात किस तरह करते होंगे, इन्हें उर्दू आती है? अम्मी, वो क्यों उर्दू बोलेंगे, हमारे वाले इंग्लिश बोलते हैं। तो उन्हें कौन सी इंग्लिश आती है? इतने बड़े बड़े आदमी देखो तो जरा कैसे छलांगे लगा रहे, इनके घर वाले देखते होंगे ना कितनी शर्म आती होगी। अम्मी, छलांगे नहीं, क्रिकेटर है, वो काम है ना उनका। मजाक कर रही हूँ। इतना अच्छा मैच आ रहा है, वैसे इसके साथ पकौड़े होते ना तो और मजा आ जाता। मैं अभी बना के लाती हूँ, तुम लोग बैठो। बस मैं यूं गई और यूं। ये हर इवेंट में पकौड़े कहाँ से आ जाते हैं? अरे छोड़ो ना यार, अच्छा चली गई, हम मैच सुकून से एंजॉय कर लेंगे। जी बेटा, स्कोर क्या हुआ है? अम्मी, वही स्कोर है जो 10 सेकंड पहले था, आप अभी अभी तो गई है। यार, ये जो कराची में मैच हो रहा है ना, ये मैं घर पे नहीं देखूंगा, मैं स्टेडियम में देखूंगा सुकून से। तो देखेंगे कैसे, टिकट्स ही नहीं मिल रही। अरे टिकट्स मिलेंगे ना, ये देखो सेवियर की ऐप है, ये डाउनलोड करो, 100 पॉइंट्स मिलते हैं, और जितने ज्यादा लोगों को रेफर करोगे ना पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं, और जो 100 लोग लीडर बोर्ड पे टॉप पे होंगे सबको फ्री टिकट मिलेंगे। अच्छा, तो मैं ये भी सेवियर पे ना अभी डाउनलोड करती हूं और सबको रेफर करती हूं। अरे अम्मी, ये मुझे क्यों रेफर कर रही हैं आप? अरे तुमने तो कहा कि रेफर करने से पॉइंट्स मिलते हैं, अब तुम भी अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड करो। अच्छा ठीक। अरे अम्मी, ये दोबारा क्यों रेफर कर दिया आपने? अरे ज्यादा से ज्यादा वो करना है ना, तो वो कर रही हूँ। अम्मी, एक बंदे को एक बार रेफर करना है। अच्छा। ये बहन भाई सुकून से मैच देख सकेंगे या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप स्टेडियम में मैच देखना चाहते हैं तो अभी सीवीओर की ऐप डाउनलोड कीजिए और दोस्तों को रेफर कीजिए। तीन टिकट्स मिल गए, तीनों बहन भाई चलेंगे स्टेडियम में सुकून से मैच एंजॉय करेंगे। चांद, अम्मी को नहीं बताना। ओके, तुम लोगों को टिकट मिल गए, मुझे भी मिल गए, चलो साथ चलते, मैंने तो पकौड़े भी बना लिए हैं।